प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में अभी तो अकेले कुरुक्षेत्र ही ऐसी सीट है जहां चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। प्रदेश के सबसे पुराने जिलों में से एक है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभी तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार में नजर आ रहा है, पर आगे चलकर यह मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। कहीं कहीं लोगों में करंट भी दिख रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रदेश की 10 लोकसभाओं में से इस बार पहली सीट है जहां 3 सियासी दलों ने अपने प्रत्याशी शुरू में ही उतार दिए। इस सीट की खासियत ये है कि यहां के धार्मिक स्थल देश दुनिया में मशहूर हैं, इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है। यहां एशिया का सबसे बड़ा सरोवर ब्रह्म सरोवर, पिंडदान के लिए सन्निहित सरोवर माँ भद्रकाली मंदिर, पिहोवा में पृथ्वीदिक ऋषि का मंदिर, शाहबाद में महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर। यहाँ की 40 कोस की भूमि को महाभारत और तीर्थों की भूमि कहा जाता है। इस सीट में कुरुक्षेत्र और कैथल के 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं। सर, हम तो पहले तो ना बीजेपी ने पसंद कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इससे बेस्ट नेता ना तो कोई आया ना ही कोई आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो बार बार हरियाणा के अंदर खट्टर न पैदा कर रहे हैं, वहाँ अनिल विज क्यों नहीं आया? अनिल विज हरियाणा का सबसे अच्छा मंत्री है और था। विकास तो खैर हुआ है बीजेपी, लेकिन कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार ध्यान ही नहीं करती। जैसे मान लो हम टैक्सी चला रहे हैं, हमारी ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ हैं, सरकार ने 10 साल 15 साल पुराना व्हीकल जैसे बंद करने की स्कीम लॉन्च की है। सर, उससे जो गरीब आदमी है जिसके पास गाड़ी है वो एक मुश्त उसकी गाड़ी बंद हो जाएगी या वो स्क्रैप कर देगा। तो दिल्ली एनसीआर के लिए ना, आपका क्षेत्र तो बाहर है। एनसीआर में तो करनाल भी आता ना, इससे तो हम करनाल भी नहीं जा सकते। लोग बदलाव चाहते हैं कि जो भाजपा है इससे छुटकारा मिले। ये जो दबाव की राजनीति कर रहा है ना, इससे नुकसान हो रहा है लोगों को। आम आदमी तंग है, बोलता नहीं। करीब 18 लाख वोटर्स वाली कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में जाट वोटर्स की संख्या 3.5 लाख, एससी 4.25 लाख, सिख 1.5 लाख, सैनी वोटर्स की संख्या 1,75,000, पंजाबी 1.25 लाख, ब्राह्मण 2.25 लाख, बनिया 1.25 लाख और रोड़ समाज के 1 लाख वोट हैं। इसके अलावा राजपूत, गुर्जर, बाजीकर, मुस्लिम और यादवों के कुल 1.25 लाख वोट हैं। पिछले 2 चुनाव 2014 और 2019 में यहां से राजकुमार सैनी और मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी 2019 में यहां से सांसद चुने गए थे। पुराने दुकानदार है आपका, ही कहना बहुत टाइम से मैं तो यही। मुद्दे क्या है, कुरुक्षेत्र का विकास कितना हुआ है? और अब तो आपके यहां के सांसद भी मुख्यमंत्री बन गए हैं, विकास कितना हुआ है, क्या समस्याएं क्या है जिनका? थोड़ा थोड़ा हो रहा है विकास, तो पहले से तो हुआ है विकास कुरुक्षेत्र का। लोगों की परेशानियां क्या है कुरुक्षेत्र? बस परेशानियाँ वही है, वैसे ये विकास जो रह रहा है उसको पूरा करो। जो उसे वोट मिलेंगे ना मोदी के नाम से मिलेंगे। वैसे तो इसकी 10 सालों यहाँ कभी दिखा नहीं हमने, तो पहले अच्छा इसकी वो थी जब कांग्रेस में था, ये काम भी किया, आंखें उंखे बनवाई, उसके बाद ये नजर ही नहीं आया यहाँ 10 साल से कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी आबादी जो है वो किसानों की भी है। चाहे हम किसानों से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं यहाँ काफ़ी आबादी किसानों की है, बहुत ज़्यादा करेगा। क्योंकि चटाला को ऐसा है ना, क्योंकि अभी चटाला ही उठेगा यहाँ से, अभी उसने दावेदारी पेश किया तो उसी को डालेंगे। वो ऐसा कट्टर बंदा है ना, बहुत अच्छा बंदा है, जो बोल देता है ना वो करता ही है। और जो आदर है जैसे सुशील गुप्ता है, हम तो जानते भी नहीं सुशील गुप्ता को ना, नवीन जिंदल उठा है, सुशील गुप्ता हो गया, कई बंदे खड़े हैं, लेकिन हम वोट अबे को डालेंगे, अबे चटाले को डालेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा में मुद्दों की बात करें तो बीजेपी के लिए मोदी चेहरा और राम मंदिर आज भी सबसे बड़े मुद्दे हैं, जबकि विपक्ष कुरुक्षेत्र बाईपास, पटियाला कुरुक्षेत्र यमुनानगर रेल लाइन का मुद्दा हर बार ठंडे बस्ते में डालने, कुरुक्षेत्र में इंडस्ट्रियल विकास ना होने और कुरुक्षेत्र में पर्यटन को लेकर बड़े बड़े दावों के बावजूद एयर कनेक्टिविटी ना होने, कई बड़ी ट्रेन का ठहराव ना होने और 5-स्टार होटल के अभाव को मुद्दे बना सकते हैं। यानी मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय भी हो सकता है। इस पेड़ की तरह ही कुरुक्षेत्र जिला और कुरुक्षेत्र लोकसभा हरियाणा की बहुत पुरानी सीट है।
5000 साल पहले यहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया, आज सियासी युद्ध की बारी है। एक बार फिर से कुरुक्षेत्र लोकसभा में त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है। हालांकि पहले दो की बात करें तो मुकाबला दोनों बड़ी पार्टियों में है। देखना अभी है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट इस बार हरियाणा के इतिहास में क्या रिकॉर्ड दर्ज करती है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, कुरुक्षेत्र।